ट्रांजिस्टर नाम सुनते ही हमारे मन में आता है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर, जो कि बीजेटी ट्रांजिस्टर होता है। बट इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं ना कहीं आप मॉस्फेट का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जो कि ट्रांजिस्टर ही होता है। बट सवाल ये आता है, अगर एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑलरेडी है तो मॉस्फेट क्यों ज़्यादा यूज़ होता है? तो इसीलिए हम मॉस्फेट को जानना शुरू करते हैं और इन तक पहुँचते हम जान जाएंगे कि एक्चुअली किसको यूज़ करना है। मॉस्फेट या मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बीजेटी की तरह ही दो तरीके का होता है, एन चैनल एंड पी चैनल। हम लोग एन चैनल मॉस्फेट को समझते हैं, पी चैनल अपने आप समझ आ जाएगा। मॉस्फेट का सिंबल होता है ये, जहाँ पर ये ड्रेन होता है, ये सोर्स होता है एंड ये गेट। इस सिंबल में एक बिल्ड इन डायोड है, इसलिए अगर आप इस साइड से करंट भेजते हो तो ये पास हो जाएगा, बट अगर आप इस साइड से करंट भेजते हो तो ये नहीं जाएगा। इस साइड से पास होने के लिए आपको गेट में सिग्नल देना पड़ेगा, जो कि एन चैनल में होता है पॉजिटिव सिग्नल एंड पी चैनल के लिए ऑफकोर्स नेगेटिव सिग्नल होगा। एन चैनल मॉस्फेट में आपको सोर्स को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और ड्रेन को आपको लोड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे गेट में पॉजिटिव वोल्टेज देने से करंट पास हो। पी चैनल में इसका उल्टा होता है। तो यहाँ तक आते आते आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर आया होगा कि ये सब काम तो एनपीएन बीजेटी ट्रांजिस्टर भी कर सकता है, तो मॉस्फेट ही क्यों? मॉस्फेट का गेट वोल्टेज सेंसिटिव होता है, ना कि करंट सेंसिटिव। इसका मतलब है बीजेटी ट्रांजिस्टर के लिए बेस में अगर जितना ज़्यादा करंट जाएगा उतना ही इधर से इधर कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा। यहाँ पर वोल्टेज बस 0.7 वोल्ट ही चाहिए। बट मॉस्फेट में गेट में अप्लाई किया हुआ वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स में जो कनेक्टिविटी है वो कंट्रोल करता है। गेट में बहुत कम करंट चाहिए होता है, जिसको हम कहते हैं स्विचिंग लॉस। वोल्टेज से गेट कंट्रोल इसलिए होता है क्योंकि मॉस्फेट का गेट एक्चुअली एक कैपेसिटर की तरह काम करता है, जहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक पैरामैग्नेटिक की तरह यूज होता है, जैसे कैपेसिटर में होता है। और क्योंकि गेट एक कैपेसिटर है तो इसको पुल डाउन रेजिस्टर हाई वैल्यू का देना होगा, क्योंकि ये अपने आप ऑन ना हो जाए इसलिए। और ऑब्वियसली पी चैनल मॉस्फेट के लिए पुल अप रेजिस्टर चाहिए होगा, क्योंकि गेट पिन वोल्टेज सेंसिटिव है। तो इसलिए आप गेट पिन में एक रिवर्स बायस में जेनरेटर डायोड लगा सकते हो, जिससे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टेड रहे। ये को ड्राइव करने के लिए कभी कभी एक आईसी यूज़ किया जाता है, जिसको मॉस्फेट ड्राइव आईसी भी बोला जाता है, या फिर ट्रांसफार्मर भी यूज़ होता है। ये क्यों होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है, ये एक अलग टॉपिक है। बट नॉर्मली ये इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं होता। अलग अलग नंबर के लिए मॉस्फेट अलग अलग होता है, और हर एक नंबर के मॉस्फेट के लिए डाटा शीट भी अलग अलग होता है, जो कि हम alldatasheet.com वेबसाइट से पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। डाउनलोड करने के बाद अगर आप डाटा शीट को पढ़ना चाहें तो आपको कुछ सिंबल जानना ज़रूरी होता है, जैसे कि DDSS या ड्रेन सोर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, या फिर VGS गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इसको हम गेट वोल्टेज भी कह सकते हैं, जिससे गेट कंट्रोल होता है, और IDSS जीरो गेट वोल्टेज ड्रेन करंट, इसको हम गेट ड्रेन करंट बोलते हैं, इसका मतलब इस साइड जो करंट जाता है वो होता है। IGSS गेट सोर्स लीकेज करंट, जिसको हम स्विचिंग लॉस करंट भी बोल सकते हैं, या फिर RDS ड्रेन सोर्स ऑन स्टेज रेसिस्टेंस, इसका मतलब होता है अगर ये मॉस्फेट ऑन रहेगा तो ड्रेन और सोर्स के बीच जो रेसिस्टेंस होगा उसको ही बोलते हैं RDS। या फिर आपको TD ऑन अर्थात टर्न ऑन डिले टाइम, TR टर्न ऑन राइज टाइम, ये सब जानना भी ज़रूरी है। ओके, एंड ये सब ग्राफ को भी अगर आप एक बार देख लेते हो तो मॉस्फेट कौन सी टेम्परेचर में कौन सी वोल्टेज में कैसे काम करता है, इसके बारे में कुछ आइडिया आपको हो जाएगा। अगर हम इसके यूज़ के बारे में बात करें तो जहाँ ही हाई वोल्टेज एंड लो करंट होता है वह बीजेटी ट्रांजिस्टर, एंड जहाँ हाई एम्पियर एंड लो वोल्टेज होता है वह मॉस्फेट यूज़ हो जाता है। और बीजेटी ट्रांजिस्टर का फ्रीक्वेंसी मॉस्फेट से ज़्यादा होता है। जनरली ऑडियो की एम्पलीफिकेशन सर्किट में, जनरली ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट में ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, बट जहाँ पर पावर सप्लाई की बात आए वहाँ पर मॉस्फेट यूज़ होता है, जैसे कि SMPS इन्वर्टर, बाग बूस्ट DC कन्वर्टर ऐसे। इस वीडियो में ट्रांजिस्टर और जेनर डायोड के बारे में बोला है, जिसका वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो।